वेलकम टू द चैनल आज 18 अप्रैल आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे वीडियो बाइलिंग्वेल रहेगा क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे हिंदी में समझाऊंगा पी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आज पहली बार विजिट करे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है पाँच बजे मॉर्निंग में शुरू करते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे वर्ल्ड हेम्योफेलिया डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली कौन सी डेट को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है करेक्ट आंसर इज सेवनटीन अप्रैल कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया हेमोफेलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इंजरी के बाद ईजिली क्लॉट्स नहीं बनते सो सेवनटीन अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है द थीम फॉर दिस ईयर इज गेट प्लस इन अगर कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें द डेट वॉज चूजन इन द ऑनर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफेलिया फाउंडर फ्रैंक सचिन बेल बर्थडे एंड दिस ईयर वी आर ऑब्जर्विंग थर्टी एडिशन ऑफ दिस डे ओके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एम्यूफिलेग इस्टेबलिशमेंट नाइनटीन सिक्सटी थ्री में हुई थी एंड इसके जो लाइक हेड क्वार्टर्स है मॉन्ट्रेल कैनेडा में याद रखेगा ओके इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है तो अप्रैल uh, मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके रिवाइज़ करवा रहा हूँ फर्स्ट अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा दिवस वो याद रख लीजिएगा पाँच अप्रैल को नेशनल मैरिन टाइम डे इंपॉर्टेंट है सेवन अप्रैल को मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया फोर्टीन अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हमने जयंती ऑब्जर्व किया जिनका जन्म मध्य प्रदेश महू में हुआ था ओके okay, वो याद रखना है एंड सेवनटीन का वर्ल्ड हेम्योफिला डे एंड आज के दिन यानी कि अट्ठारह अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे ये पॉइंट भी याद रखना है सेकेंड करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड आई पी एल वेल फिफ्टीन अप्रैल तक पोस्टपोन किया गया था नाउ इसे फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया एंड इस बार बारे पूरे चांसेस हैं कि लाइक like, uh, ये कैंसिल ही हो जाएगा सो इन दिस क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इसके लाइक थर्टी नाइन्थ प्रेजेंट कौन है टिल फर्दर ऑर्डर्स फिर से पोस्टपोन कर दिया गया यू हैव टू आंसर थर्टी नाइन्थ प्रेजेंट कौन है थर्टी नाइन्थ प्रेजेंट है सौरभ गंगोली ओके okay, तो ये आपको याद रखना है आई पी एल इंडियन प्रीमियर लीग ओके देन इसमें बाकी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है शशांक मनोहर का नाम आई सी सी के लाइक like, चेयरमैन है एंड मनु सोनी ये आई सी सी के सी ओ आई सी सी के हेड क्वार्टर्स दुबई में ये आपको याद रखना है ओके सो थर्ड क्वेश्चन इज अब्दल लोहैब एसासोई हैज़ वॉर्न थर्टीन इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर द नावल स्पार्टन कोट स्पार्टन कोट के लिए इन्हें लाइक थर्टींथ इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर द्वेंटी ट्वेंटी नाव यू हैव टू आंसर हिज़ फ्राम विच कंट्री सो इज़ फ्राम अल्जीरिया ओके ये आपको याद रखना है एंड यू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इनको फिक्शन कैटेगरी में दिया गया लाइक like, फिक्शन uh, जो नावल होती है इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन मिस्ट्री फैंटेसी ओके एंड अगर नॉन फिक्शन की बात की जाए वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती हैं तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा एंड अल्जीरिया के ऑथर है याद रखना है okay? ओके बाकी लेबनऑन से मुझे एक चीज़ याद आ रही है जीना कार का नाम याद आ रहा है फ़र्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर बनी थी लेबनॉन की वो आप याद रख लीजिएगा बाकी यहाँ जो पे जो टॉप पे हज़ा अल मंसूरी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हीज़ फ्राम यू आई एंड फर्स्ट इमराती बने थे जो स्पेस में गए थे ओके इन द ईयर 2019 इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था एंड अराउंड सेवन डेज 21 वन आवर्स ये स्पेस में रहे थे एंड फर्स्ट इमराती बने थे जो स्पेस पे पहुंचे थे इंपॉर्टेंट है हसा अल मंजूरी ये पॉइंट आप याद रखिएगा ओके okay? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अलजेरिया एंड नावल का नाम द स्पार्टन कोर्ट याद रखना है ओके okay? ओके okay, देखो आज अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वेल well, आप लोग का सपोर्ट जरूर चाहिए एंड एक टारगेट टू रीच हंड्रेड के सब्सक्राइबर फोर थर्ड में ही ओके okay? तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक्स टारगेट टू थाउजेंड लाइक्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स यू कैन मैसेज ऑन मी इंस्टाग्राम दिस इज माई यूजर आइडिया सो डू सब्सक्राइब नाउ इफ यू आर विजिंग फर्स्ट टाइम फोर्थ क्वेश्चन इज़ द फोटी फोर्थ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी वॉज कैंसल एक मीटिंग होनी थी सो दिस वॉज कैंसल ड्यू टू कोविड नाइन्टीन सो ये आपको बताना कि ये कहाँ पे होनी थी लाइक like, uh, कौन सी कंट्री में ये होनी थी इसे कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला था सो so चाइना इसे होस्ट करने वाला था ओके okay, यूनेस्को के फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके इस्टेब्लिशमेंट फोर नवंबर नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स इसके जो हेड हैं डायरेक्टर जनरल ऑर्डर है ओजले एंड हेड क्वार्टर्स हैं इसके पेरिस में ओके okay? तो ये चाइना में होने वाली थी फोर्टी फोर्थ एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे मैं आपको बता चुका हूँ आज के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है याद रखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलिंग बैंक हैज डिसाइडेड टू वेव ऑफ सर्विस चार्ज फॉर ऑल एटीएम ट्रांजैक्शंस ट्रांजेक्शन अप टू थर्टी जून ओके एज़ पर द ऑर्डर्स निर्मला सीतारामन जी ने भी ये स्टेटमेंट दिए है कि 30 uh, जून तक आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे जितनी बारी मर्जी निकालो आपको कोई भी लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेंगे अदरवाइज़ कुछ लिमिट होती है अगर उसके बाद अगर आप एटीएम दूसरे बैंक जाते हो या अपने भी जाते हो तो आपके ट्रांजेक्शन पर चार्जेस लगते हैं ओके नाओ स्टेट बैंक हैज़ नाओ ऑफिशियली डिसाइडेड लाइक अनाउंस टू लाइक वेव ऑफ ऑल द सर्विसज चार्जेज ओके सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार ये आपको याद रखना है एंड बाकी अगर इसमें जो इम्पोर्टेंट एच डी एफ सी बैंक न्यूज़ में था लाइक एशिया लाइक चाइना सेंट्रल बैंक ने इसका स्टेक ख़रीदा था वन पॉइंट ज़ीरो वन परसेंट स्टेक परचेज़ किया चाइना ने चाइना सेंट्रल बैंक वो याद रखना है आई सी आई सी आई बैंक लाइक इन्होंने डोर स्टेप फैसिलिटीज़ नॉट डोर स्टेप इट्स वाट्सअप फैसिलिटीज ऑन फॉर द कस्टमर्स ऑफ आई सी सी आई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डोर स्टेप फैसिलटीज़ लॉन्च की हैं फॉर ऑल कस्टमर्स लाइक इससे पहले वो सीनियर सिटीजनस के लिए थी ना वो स्टेट बैंक ने सारे लोगों के लिए लाइक फॉर ऑल पीपल्स डोर स्टेप फैसिलिटीज़ भी लॉन्च की ओके सो okay? so इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग वॉज हैज द फर्स्ट टाइम कॉइंट द टर्म हैप्टर मनी सो यू हैव टू आंसर कि ये टर्म हैलीकॉप्टर मनी काफ़ी ज्यादा न्यूज़ में है आजकल सो so इसको क्वाइंट किसने किया था सो दिस वॉज कॉइंट बाय मिल्टन फाइट मैन ओके ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन 1916 एंड नाउ व्हाट इज़ हेलीकॉप्टर मनी ओके देखो जब भी कोई देश किसी देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है लाइक हमारे देश का तो आपको पता है राइट नाउ कितनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है सो so, इस टाइप ऑफ कंसेप्ट हेलीकॉप्टर मनी लाइक लोगों को फ्री में पैसा दिया जाता है ओके okay, ताकि वो लोग उसे खर्च करें कंजप्शन करें एंड उनका खर्चा बढ़े एंड इस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती रहे ओके okay? सो दिस वॉज द कंसेप्ट हमारी कंट्री में यूज़ नहीं हुआ है अदर कंट्रीज लाइक जापान में इसको यूज़ किया जाता है जब कई बार अगर इस तरीके से लाइक like अर्थव्यवस्था देश की काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाए एंड यू नो राइट ना ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है सो दिस वॉज द टर्म जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है हेलीकॉप्टर बनी सो so, इसको लाइक like, कोइंट किया था मिल्टन फाइड मैन ने ओके इन 1969 एंड मिल्टन uh, जी को मिल्टन फाइड मैन को हैड लाइक नोबल प्राइज़ भी दिया गया था इन द ईयर 1976 इकोनॉमिस्ट थे ओके okay? सो so, ये याद रख लीजिएगा एंड इंपॉर्टेंट है बेसिकली ये टर्म ठीक है दिन क्वेल्सर बॉन्स में थे ये तो आप जानती हो आर के फर्स्ट गवर्नर यानी ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नर फर्स्ट थे एंड इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे रघुराम राजन ट्वेंटी थर्ड गवर्नर थे आर बी आई के जिन्होंने अभी जिनको अभी ट्वेल्व मेंबर लाइक एडवाइजरी टीम बनाई गई है बाय आई एम एफ जो इनको इंक्लूड किया गया ओके सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम डी एंड सी ऑफ के रेटिंग्स लाइक एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में तो इसके एम डी एंड सी ओ किसे बनाया गया तो एम डी एंड सी ओ बनाया गया अजय महाजन को ओके okay? तो ये याद रख लीजिएगा डायरेक्टली सिंपल सा देन उसका बाद प्रेम ये मैंने आपको बताया था ऑपरेशन मेघदूत जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था याद है ना कल जो मैंने आपको बताया था सचिन डे हमने ऑब्जर्व किया थर्टी सिक्स सचिन डे उसको हम जीते थे जब ऑपरेशन मेघदूत जो हमारा सचिन था जो भी लाइक रिकैप्चर किया था हमने मेघदूत मिशन को लॉन्च करके तो उसके हेड थे प्रेम नाथ जिनकी निधन हुआ था इसी ईयर ओके बाकी लिनाडो डी वेंसी वर्ल्ड आर्ट डे पंद्रह अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं तो इन्हीं का बर्थडे होता है मोनोलिसा पेंट पेंटिंग इनके इन्हीं के द्वारा बनाई गई है ओके रोजर चैपॉट ये भी इंपॉर्टेंट है लाइक like ये स्विट्जरलैंड के लाइक हॉकी प्लेयर थे जिनका भी निधन हो गया ओके सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ स्टार्टेड ए इंटीग्रेटेड जियो स्पैटल प्लेटफॉर्म सो इसका नाम क्या है लाइक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए लाइक like, अदर ऑल अदर लोकेशन जितनी भी लोकेशन हैं लाइक like इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी सो विद हेल्प ऑफ दिस जियो स्पेटल प्लेटफॉर्म तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है सो so, इस प्लेटफॉर्म का नाम नाम है सहयोग ओके okay? बाकी इसको आरोग्य सेतु ऐप के साथ भी मर्ज किया जाएगा तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठी की जाएगी इंटीग्रेट की जाएगी ओके सो दिस वॉज स्टार्टेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मिनिस्टर को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर हर्षवर्धन याद रखना आपने ओके okay? विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन एडिसन अवार्ड फॉर अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी सोशल इनोवेशन कैटेगरी के तहत कौन सी कंपनी को लाइक एडिसन अवार्ड दिया गया थॉमस एलवा एडिसन के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है so, सो ये दिया गया टाटा पावर को ओके फॉर द कैंपेन क्लब एनर्जी हैश टैग स्विच ऑफ टू स्विच ऑन कैंपेन सो इस कैंपेन जो इन्होंने चलाई लाइक like, इन बच्चों को स्कूल्स के बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस कैंपेन में इंक्लूड थे लोगों को अवेयर किया ठीक है सो फॉर दिस इनको अवार्ड दिया गया एडिशन अवार्ड एडिशन वही है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था ओके okay? सो so, टाटा पावर याद रखिएगा कैंपेन का नाम याद रख लो बाकी सी हैं प्रवीर सिन्हा एंड हेड क्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में तो ये पॉइंट याद रख सकते हो आप रिसेंटली रंजीत चौधरी पास जब सो ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड सो ये थे जी एक्टर ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रंजीत चौधरी जी एक एक्टर थे जिनका निधन हो गया ये पिक्चर आपके सामने है सो हैू हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू एम डी एन सी ओफ़ पे जनरल इंश्योरेंस पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा एंड पेटीएम टी ऑफ इंश्योरेंस भी है ठीक है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एम डी एन सी ओ कौन किसे बनाया गया ये आपको बताना सो द करेक्ट आंसर इज वनीत अरोरा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर विजय शेखर शर्मा बता चुका हूँ भानू प्रताप शर्मा आप लोग जानते ही हो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के चेयरमैन पे टी एफ के हेड क्वार्टर्स नोएडा में दैन विच ऑफ द फॉलोइंगज़ अप्रूव द सेल ऑफ़ एंटीशिप मिसाइल एंड टॉर्पिडोज टू इंडिया सो हम इन कंट्री से खरीदने वाले हैं लाइक अप्रूव कर लिए सो टॉरपिडोज़ एंड एंटीशिप मिसाइल्स हम खरीदेंगे यू एस ए से ओके सो अमेरिका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉंग हैज़ गिवन सिक्स पॉइंट फाइव लैख मेडिकल किट्स टू इंडिया विच विल हेल्प इन रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन सो कौन सी कंट्री ने लाइक हमें सिक्स पॉइंट uh, फाइव लाख मेडिकल किट्स प्रोवाइड की तो थोड़ी तेज़ी आएगी कोविड नाइन्टीन के टेस्ट में सो दिस वॉज प्रोवाइडेड बाई चाइना ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चाइना के बारे में बेसिक डिटेल्स बेजिंग कैपिटल है शीजिंग बिग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च वाई आर निर्माण पोर्टल फॉर स्मूथ सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लाइक उनकी सीमेंट की सप्लाई के लिए एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई दिक्कत ना आए राइट नाउ लॉकडाउन है बट इसको स्टार्ट किया गया सो दिस के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया वाई निर्माण एक पोर्टल ओके तो कौन सी स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया दिस वॉज स्टार्टेड बाय आंध्र प्रदेश ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बेसिक डिटेल्स ये सारे आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ नागा अर्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्रा प्रदेश में ये पूछी जाती है सी एम एंड गवर्नर एंड ये आपका मैप आ गया ओके सो डेट्स ऑल नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग फॉर कोविड नाइन्टीन पेशेंट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड इसके रिलेटेड आप मुझे बताइए नाव इसका आंसर अगर आप कर लेते हैं दैन उसके बाद यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन यू होर टू आंसर दिस फाइव क्वेश्चन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट रिसें अपॉइंटमेंट एंड कुछ जी डी बी के क्वेश्चन है सो फर्स्ट क्वेश्चन एम डी एंड सी ओफ इंडसन बैंक किसे बनाया गया अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है एम डी एंड सी ऑफ येस बैंक ये भी रिसेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइक सी ई ओ आई बी एम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड हेड क्वार्टज ऑफ स्रीसल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये मुझे बताओ एंड द फिफ्थ वन इज़ इंडिया जी डी बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मोनिट्री फंड फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021. ओके okay. सो so, इसके रिलेटेड जितने भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन आते हैं लाइक जो भी चीज़ें आपको याद हैं आप कमेंट डाउन कर सकते हो लाइक अभी श्रीसल ने भी जी डी पी की एस्टिमेट दिया था बाकी जितनी भी डिटेल्स आपको आती हैं याद हैं वो आप कमेंट कर सकते हो एंड जिसका भी कमेंट बैटर होगा सबसे लाइक थोड़ा सा आप स्पेस दे सकते हो ताकि सारी चीज़ें ईजिली पढ़ पाए दूसरा भी स्टूडेंट सो बीच में कुछ लाइक इमोजेज यूज़ कर सकते हो ठीक है ताकि थोड़ा सा बेटर लगे एंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स ईजिली उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें ओके सो so, उसका कमेंट पिन किया जाएगा सो डेट ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड वीडियो आपको अच्छा लगा है अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक और चीज़ आपका कोई करंट अफेयर मिस नहीं होने दूंगा डैट द एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड एक दिन बाद क्वेश्चन मिल जाएगा बट डोंट थिंक की कोई क्वेश्चन हमारा आपका स्किप होने वाला ओके okay? कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं ऐड किया डोंट वरी आप कंटिन्यू अगर सात दिन हमारे साथ वीडियोज़ अगर कंटिन्यू देखते रहते हो ना तो देन एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कहीं से भी मैच कर सकते हो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होने दूँगा एट एनी कॉस्ट सो उस साइड से आप टेंशन फ्री हो जाओगे ओके okay? बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए एंड सपोर्ट कीजिए सो थैंक यू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बेस्ट ऑफ लक स्टे सेफ स्टे एट होम